वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एडमिशन के बारे में बात करेंगे जो कि आईआईटी जोधपुर ने रिलीज किया है फॉर द एमटेक एंड एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स। और अब हम लोग ओपन करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें अगर आपको एमटेक करना है या एमटेक प्लस पीएचडी करना है, ठीक है, ड्यूल डिग्री, तो वो केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन में एमटेक है, देन उसके बाद एमटेक एंड एमटेक प्लस पीएचडी इन थर्मो फ्लूइड इंजीनियरिंग, देन एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, देन एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री इन मैकेनिकल डिजाइन। देन ये डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांच है और उसके लिए भी क्या क्या प्रोग्राम्स है वो सारी चीजें यहाँ पे दी है। देन अगेन अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए तो डेफिनेटली आपका गेट का स्कोर होना चाहिए एंड यू हैव टू क्वालिफाई द गेट। इसके अलावा अगर आपको पार्ट टाइम करना है या स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस एंड प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सो लिंक यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। और ये जो पोर्टल है दैट विल बी ओपन टिल 20 अप्रैल। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 300 होगा, एंड इसके अलावा एससी एसटी एंड पीडी जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 150 होगा। देन ये सारी चीजें दी हुई है, इसको आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये जरूरी है कि आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू फेस सम प्रॉब्लम। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ दिया हुआ है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन से ब्रांच के बंदे अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, देन उसके बाद सेंसर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर मैकेनिकल डिजाइन। जिस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने गेट दिया है विथ मैकेनिकल ब्रांच तो वेदर आप इलिजिबल हैं या नहीं, बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई। सो ये सारे प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें यही है कि लास्ट जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का दैट विल बी 20 अप्रैल, एंड अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो आपका 10 मई को आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर और ये ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमने सारी चीजें कवर कर ली। सो अब इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर।